नमस्कार, राजगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज एक नहीं बल्कि दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हालांकि इनकी पहचान दो नहीं है, पहचान इनकी एक ही है, क्योंकि आप कभी भी रजनीश मिश्रा या रितेश मिश्रा नहीं सुनते, बल्कि रितेश रजनीश सुनते हैं। तो दोनों भाइयों का मैं पहले तो सबसे स्वागत करता हूँ। आप लोग राजगिरी से जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, अब दोनों लोग मुझे ये बताइए कि मतलब संगीत परंपरा अगर आपके परिवार की मैं बताने बैठूंगा तो वो तो इतनी लंबी है कि बहुत सारा समय उसी में चला जाएगा। लेकिन मुझे आपके बचपन को समझना है कि जब आप लोगों का बचपन था, लेट से 5-6 साल के आप थे, तो क्या कोई चॉइस थी कि संगीत नहीं सीखे, कुछ और भी कर सकते हैं, या ये एकदम तय था कि नहीं संगीत ही सीखना है? एक्चुअली जिस उम्र की बात आप कर रहे हैं उस एज में तो संगीत की ही शिक्षा हमारी प्रारंभ हो चुकी थी और हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे और संगीत में भी हमने शुरुआत कर दी थी और पिताजी से शुरुआत की सीखना, उन्होंने हमारे लिए एक संगीत की किताब भी बनाई और उसमें उन्होंने अपने हाथ से पहला ओम बनाया और पहला राग जो हमें सिखाया वो राग गुणकली था। राग गुणकली उन्होंने उसमें लिखा और फिर उसके बाद उन्होंने एक उसका झलक दिया, उसका आरोह अवरोह समझाया। फिर उन्होंने कहा कि देखो रियाज जो है उसी से ही तुम लोग आगे निकलोगे, निखरोगे, क्योंकि मैं कोई भी चीज बताऊंगा तो मैं चाहूंगा कि उसको मैं दोबारा तुमसे सुनूं, तुमने उसकी कैसी तैयारी करी है। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने हमारे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप किया और फिर हम लोग तो उनको देख ही रहे थे कि उनका अपना अभ्यास, उनका अपना कार्यक्रम और वो जो दौर था वो एक अलग किस्म का था, क्योंकि वो पूरी तरह से संगीत में डूबे हुए थे और घर का माहौल भी वैसा ही था। तो हम लोगों को वो चीजें तो मतलब हमारे अंदर एक वो फीलिंग थी कि ये संगीत जो है ये बहुत ही कर्णप्रिय है और आत्मा को छूने वाली चीज है। लेकिन क्योंकि तो बाल्यावस्था जो होती है उसमें नटखट इंसान नटखट होता है तो उसमें खेलने में भी मन है, पढ़ाई का भी प्रेशर है और घूमने भी जाना है, कई चीजें ऐसी होती है जो हमें चाहिए भी। तो फिर भी हम आजकल के जो बच्चों से ज्यादा हम लोग बहुत डिसेंट बच्चे थे, हम लोग की उतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जो बाल्यावस्था में खेलने का भी समय चाहिए, पढ़ने का भी समय चाहिए। तो पिताजी ने हर चीज एक ऐसा रूटीन में बनाया हुआ था कि भाई इस समय पर खेल लेना, इस वक्त पढ़ लेना और इस वक्त थोड़ा संगीत भी कर लेना। तो वो माहौल में हम लोग बहुत वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई आगे बढ़ी और फिर कॉलेज तक आए और उस दौर में थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, हर इंसान होता है कि क्या करें, और जब घर में संगीत की धारा प्रवाह हो रही है और तो एक ऐसा मतलब हम लोग भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था, हम लोग तब तक और बेटर हुए। और फिर पिताजी ने दादाजी के पास हमें भेजा, वहां हमारी शिक्षा, हमारे समर वेकेशंस में हम वहीं जाकर उनके पास रहते थे, उनसे सीखते थे। तो उसका तो शौक था ही, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी और 12th के बाद फिर फर्स्ट ईयर, तो तब दिमाग में ना ये हुआ कि कुछ और भी किया जाए, कुछ और भी देखा जाए। तो ऐसे तब हुआ, मतलब बहुत छोटी उम्र में नहीं हुआ, एक सर्टन एज में आके तब थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक विचार आया कि कुछ और भी कर ले ऐसा। रजनीश भाई, ये रितेश भाई ने सब बता दिया कि बचपन में खेलने का भी मन करता था और घूमने का भी मन करता था, शरारतें लेकिन छुपा ले गए सारी। तो ऐसा करिए, आप बता दीजिए कि शरारतें कौन कौन सी करते थे आप लोग? शरारतें हम लोग एक्चुअली सच बताएं तो नहीं किए कभी भी, क्योंकि वो करने का मौका ही नहीं मिला। और पिताजी और चाचा जी को दोनों को देखते हुए हम बड़े हुए, तो और दोनों अपने काम में इतने
सीरियस रहते थे कि वो कहते हैं ना कि अपने से बड़ों को देख के ही सीखता है इंसान, तो उनका चलना बोलना बैठना उठना हर चीज से हमने अपने आप को सीखा, जबकि वो कहीं नहीं भी हैं हमारे सामने, तब भी हम अपना हमारा जो लर्निंग प्रोसेस था वो जारी रहता था। तो आपने जो पहले पूछा कि हमारा चॉइस था या नहीं, तो हमारे पास और कोई चॉइस बचा ही नहीं था क्योंकि जैसा भाई ने बताया कि बहुत इधर उधर मन भटकता है, तो वो हमारे साथ भी हुआ, लेकिन शायद हम लोग उस फैमिली को बिलोंग करते हैं कि जहां पे म्यूजिक को बहुत ही सीरियसली लिया गया, तो शायद हम लोग उस एंगल से और चीजों को नहीं देख पाए और हम लोग बच गए कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं गया, दोस्ती यारी और हर चीज वैसे ही रही। और पिताजी की हमेशा से ये एक बात हमेशा वो समझाते थे कि जितना अपना काम कर रहे हो उसके बाद थोड़ा मस्ती भी जरूरी है लाइफ में, सिर्फ प्रोग्राम 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 या सिर्फ वही कॉन्सर्ट्स उनके बारे में नहीं सोचना है। तो ये एक ऐसी मानसिकता हम दोनों की शुरू से ऐसी डेवलप कर दी कि आज शायद हम लोगों के कंटेम्प्रेरी जितने भी कलाकार हैं उसमें सबसे ज्यादा आनंद में हम ही लोग रहते हैं, तो वो आनंद जो है वो इन्हीं लोगों का दिया हुआ है और इसी को हमारी कोशिश है कि आगे कैरी फॉरवर्ड ऐसे ही करें और ऐसे ही चला के रखें, और इनका आशीर्वाद है हमारे साथ, ये उनके नहीं रहने पे वो और ज्यादा महसूस होता है अब तो और आप सबकी दुआ और प्यार है। अच्छा रितेश भाई, आपको आप लोगों को ये भी सौभाग्य मिला आपके दादाजी से सीखने का, और ये बात एक बार राजन साजन जी का इंटरव्यू मैंने एक कॉलम के लिए किया था तब भी मुझे पता चली थी कि आपको उनसे भी सीखने का सौभाग्य मिला। वो जो शुरुआती दिन थे, वो जो नींव पड़ी, या जब पिताजी और चाचा जी बताते थे कि बचपन में कहीं गए तो पूछा जाता था कि कितनी बार खाना खाया, दो बार खाया, तीन बार खाया, तो रियाज भी तीन बार किया या नहीं किया, उस तरह की जो सख्ती थी, वो दादाजी के साथ जब आप सीखते थे उसकी क्या यादें हैं? कुछ कुछ बताइए ऐसा जो लगे कि हाँ वो एक खास पॉइंट था जिसने ट्रिगर किया कि हाँ बिल्कुल, जो बात अभी रजनीश भाई कह रहे थे कि हम आनंदित रहें, हम संगीत को गंभीरता से लें, हम इसकी साधना के महत्व को समझें, दादाजी से मिली तालीम के बारे में बताइए। एक्चुअली दादाजी के पास जो हम लोगों को भेजा गया तो वो एक पिताजी की एक ऐसी सोच थी कि वो उनको ये मालूम था कि खुद वो बहुत ज्यादा बिजी है तो, और इनकी तालीम में बीच में विघ्न पड़ेगा तो इनकी तालीम जारी कैसे रहे, तो उसके लिए उन्होंने हमें दादाजी के पास भेजा। अब दादाजी का सिखाने का तरीका बिल्कुल ही एक अलग किस्म से, और ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है जो कि मतलब हमें अपने पास ही सुलाते थे, और सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों को उठाते थे कि बेटा उठो, देखो भैरव जा रहा है, ललित जा रहा है, ऐसे रागों का, सुबह के रागों का नाम लेकर हम लोगों को उठाते थे और बोलते थे कि सुबह उठकर रियाज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है और उस वक्त देवी देवता गंगा स्नान करने जाते हैं, तो तुम्हारा रियाज सुनेंगे तो तुमको आशीर्वाद देंगे। तो वो ऐसे प्यार से सिखाना, और हर चीज को सिर्फ सिखाना ही नहीं, उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का वाकया बताना कि वो कैसे थे, वो कैसा गाते थे, वो कैसा बजाते थे, बाय हाय 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 हाय, तो अपनी बातों से उन्होंने जिनको हमने देखा नहीं उनका दर्शन करा दिया। तो उनका सिखाने का अंदाज बहुत एक ना प्लेफुल वे जैसे होता है ना, कि हंसते खेलते सिखा भी दे रहे हैं और अपनी बात कह भी दे रहे हैं और हमें समझ भी आ जा रहा है। तो कभी सिखा रहे हैं, ज्यादा रियाज कर लिए तो बोलते थे बस करो बस करो, अब आओ थोड़ा ताश खेल ले, तो हम लोग एक ताश में गेम है 29 वो हम लोग खेलते थे। दादाजी के एक और शागिर्द उस वक्त थे प्रभु सहाय जी, तो हम लोग सब 4 लोग मिलकर वो गेम खेलते थे, कभी कोई और आ गया तो उनके साथ खेल लिए। तो ऐसे करके उनका ये था कि भाई जो समय है, ये जो
संगीत है ये फाइन आर्ट का काम है, ये बोझा ढोने वाला काम नहीं है, इसलिए उसको उतना ही करो जितना संभाल पाओ। तो ऐसे धीरे 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 करके उन्होंने एक स्टेप वाइज प्रोसीजर जैसे होता है ना वैसे हम लोगों को बताया। और हम लोगों का पहला प्रोग्राम दादाजी के ही सानिध्य में बनारस में पढ़ारकर भवन एक है वहां पर हुआ, जब मैं 9 साल का था और ये 7 साल के थे। तो उस वक्त एक स्वर दिशा संस्था भी हुआ करती थी, वहां पर हम लोगों का एक कार्यक्रम करवाया गया और वहां से हमारी शुरू हुई यात्रा बचपन की। फिर दिल्ली में आके भी हमने एक प्रोग्राम में फिक्की ऑडिटोरियम में हमने एक प्रोग्राम किया। और ऐसे करते हुए ये हुआ कि भाई स्टेज पर जाकर गाना जो है वो आसान काम नहीं है, बहुत हिम्मत का काम है। और जो घर पे हम लोग जोर जोर से और खूब लंबे समय तक रियाज किए वो सारा कुछ स्टेज पर आके एकदम सब हवा हो जाता है। तो ये सब चीजों को एक्सपीरियंस धीरे धीरे किया। जब पिताजी चाचा जी के साथ तानपुरे पर और वोकल सपोर्ट के लिए उनके साथ कार्यक्रमों में हम लोग भी जाने लगे, तो फिर स्टेज का एक जो प्रेजेंस होता है, मतलब एक्चुअली क्या है कि वो सारा कुछ इतने विधिवत तरीके से स्टेप वाइज होता गया। और वो शायद ऐसे ही लिखा हुआ था या ऐसा ही उनका सोच था पिताजी का कि इस तरीके से इनको ऐसे लेकर जाना है। तो जब हम लोगों का एक सर्टन एज में आके जब हम लोगों ने 90s में अपना करियर का शुरुआत किया, तो सबसे पहला प्रोग्राम उन्होंने हम लोगों को कहा कि विश्वनाथ जी में बनारस और संकट मोचन मंदिर। तो दादाजी के साथ दादाजी पिताजी चाचा जी सभी और बनारस के जो लोग संगीतकार उनके साथ जाकर हम लोगों का ये 2-3 जगह पर प्रोग्राम हुआ। और संकट मोचन में कोई फेस्टिवल नहीं था, ऐसे ही बस जाकर और मंदिर के सामने वो कुआं है उसका प्रांगण बना हुआ है, बस वहीं पर दरी बिछाए और बैठ के चालू हो जाओ। तो वहां से हम लोगों का एक शुरुआत हुआ। और उसके बाद फिर पहला कॉन्सर्ट हम लोगों ने संकट मोचन फेस्टिवल में गाया, और फिर उसके बाद फिर दिल्ली में गाया, फिर आगे नागपुर घूमने लगे, फिर धीरे धीरे सफर शुरू हुआ। तो उनको ये मालूम था कि कैसे शुरुआत की जाती है, मतलब एक्चुअली देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक पिता होना और पिता के साथ साथ अपने बच्चों को कैसे नर्चर करके आगे बढ़ाना, उनको ये भली भांति मालूम था कि एक पौधा है और उसको कैसे नर्चर करके एक पेड़ बनाना है। और उनका तरीका इतना सटीक था कि हम लोग उस दिशा में चल पड़े और आज तक चल ही रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे बहुत थे जो कि बाद में हम लोग को एक लर्निंग प्रोसेस से, सिखाने के प्रोसेस से, टीचिंग प्रोसेस से उन्होंने समझाते हुए उसको उस फेज को निकाला। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जी। रजनीश भाई इसी सवाल के एक्सटेंशन के तौर पे आगे बढ़ रहा हूँ कि एक तरीका तो होता है जैसे कि बहुत ही एक सख्त गुरु है और वो छड़ी भी लेके बैठा हुआ है, और मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आपके दादाजी से मिलूं, लेकिन पिताजी से मिला हूँ और चाचा जी से मिला हूँ। और दोनों लोगों के को मिलने के बाद कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब वो एक कठोरता उनके अंदर हो या कोई बहुत ही शास्त्रीय संगीत या किसी पर्टिकुलर राग को लेकर ये अप्रोच हो कि ये बहुत ही कोई बहुत ही कठिन चीज है, जो एक सहजता होती है व्यक्तित्व की, क्या वो सहजता जो दादाजी से आप लोग को मिली कि हाँ उतना ही गाओ जितना कि जरूरी है या ये बोझा उठाने का काम नहीं है, वही चीज संभवतः जब पिताजी ने सिखाई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि उतना ही गाओ जितना निभा पाओ, चाचा जी जब बैठे होंगे कभी कदार तो उन्होंने भी यही कहा होगा, क्या ये वजह है कि जो आपने कहा थोड़ी देर पहले कि ऑप्शन कोई नहीं था, क्या ये वजह है कि ऑप्शन सोचा भी नहीं, मतलब इतनी आसानी से चीजें आती गई कि वो आत्मसात करते गए और कभी ये लगा नहीं कि ये बोर कर देगा या ये परेशान करने वाला है या ये बहुत डांट खानी पड़ती है, ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ भगवान की कृपा से हुआ नहीं, क्योंकि इन लोगों का एक तो सिखाने का तरीका ऐसा हुआ करता था और
पिताजी की एक ये जो सोच थी, जब पिताजी ने हम लोगों को संगीत शुरू कर दिया उसके बाद दादाजी के पास भेजना, उसमें हमारे गाने में हम गाते हैं इसीलिए नहीं, हमको इतने फील नहीं होता है कई बार, लेकिन कई लोगों से हमें ये पता चला कि आपके गाने में तंत्र अंग का भी वो फील है। तो क्योंकि हमारे दादाजी तंत्रकार थे इतने बड़े, तो हमारे हमें जो सिखाया गया, ये हम लोग बहुत लकी रहे कि हम एक ख्यालिए से भी हमारे पिताजी इतने बड़े ख्यालिए हुए, और उनके गुरु हमारे दादाजी जो कि तंत्र अंग से भी उन्होंने हमें सिखाया, तो हमारे गाने में आपको महसूस होता है कि हम तंत्र का भी कुछ काम कर रहे हैं, और तो ये सारी चीजों में हम उलझ गए, और इन सब चीजों का मजा लेते हुए, जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन नहीं सोचा, इतने बड़े स्टार्स को देख रहे हैं अपने सामने, और हमने अपना एम बना लिया कि हमको भी वहीं जाना है। तो ये शुरू से ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने या हमारी ग्रैंड मदर ने, इन लोगों ने सबने यही बोला कि बेटा तुम्हारे बाप चाचा इतना नाम किए हैं, तुम लोगों को भी वहीं तक जाना है। तो हमने अपना एक एम शुरू से बना रखा था कि हमको उन्हीं के पीछे पीछे अपने आप को रखना है, तो ऑप्शंस की कोई बात ही नहीं थी। दूसरी ये कि जो इनका सिखाने का तरीका, अब आज के युग के जो लोग भी सीखते हैं हमारे एज ग्रुप के लोग या हमसे छोटे, उन लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि उनको ऐसा गुरु मिले जैसा हमें गुरु मिले, चाहे हमारे पिता के रूप में, चाचा के रूप में, या चाहे हमारे दादाजी के रूप में, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को आज से 150-200 साल पीछे के दर्शन कराया सिर्फ बात बता के। तो हमारे गाने में और लोगों के गाने में ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया कि हम लोगों को गाने में आज भी, क्योंकि देखिए हम लोग क्लासिकल शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं, और इन लोगों का हमेशा से ये कहना रहा कि बेटा किसी भी पुरानी चीज को बदलने से अच्छा उसको संजो के रखना ज्यादा बेहतर है। तो हमने उसकी कोशिश करी और आज हम ज्यादातर सीरियस ख्याल गाने में माने जाते हैं, लोग हम लोगों को उसी में मानते हैं कि ये लोग सीरियस हैं, फोकस्ड हैं, तो वो भी इन्हीं लोगों का आशीर्वाद और देन है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है आप भी देख रहे हैं क्या क्या है, क्या क्या संगीत चल रहा है आजकल, भटकने का क्षण एक ही क्षण में आदमी भटक जाता है, लेकिन जो जो धीरज धरता है उसी को आगे जगह मिलती है, वो जिसकी जगह की कामना हम लोगों ने करके अपना सफर तय किया। तो बस वो आप सबकी दुआएं हैं और गुरु लोगों का आशीर्वाद है। हम देखिए एक चीज पिताजी ने बहुत अच्छी बोली कि कभी भी अपने काम पे और अपने गुरु पे भरोसा छोड़ना नहीं है, तो हमें तो उनके ऊपर भरोसा है और वही आगे हम लोगों को ले जा रहे हैं, वही आगे ले जाएंगे, जितना और जितना आशीर्वाद कमाने के लिए बोला गया हम लोगों को। देखिए जब नया नया कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो खूब पेपर में आया, यहाँ गा रहे हैं तो वहां पेपर में छप रहा है, तो दादाजी ने एक दिन हम दोनों को बुला के बोला कि बेटा ये सब जो पेपरबाजी है और ये वो ये सब तो ठीक है, लेकिन आदमी कमाने पे अपना ध्यान दो, नाम पैसा इज्जत ये सब तुम्हारे पीछे आएगा, जब आदमी कमाओगे तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोगों की शुरू से वैसी आदत बनी हुई है कि हम लोगों को जितना आशीर्वाद मिले उतना हम लोगों को लगता है कि बढ़ता जा रहा है सब, तो बस इसी खोज में है। लेकिन ये जो दादाजी ने सीख दी आपको, ये तो बनारसी में कहा होगा ना, ये तो आपने खड़ी बोली में बता दिया, उन्होंने कैसे कहा था ये बताइए। उन्होंने बोला कि बेटा ये सब तो लगल रही जुन भी हो, पेपर में आवत हो सब हो, लेकिन इंसान कमा आशीर्वाद कमाओ तो उस ओकर मजा बहुत अलग मिली, तो उसका मजा हम सच में बहुत ही आनंदित रहते हैं, और हम दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे पिताजी का देन है एक कि अपना जो अंतर जो अंतर जो शांति है ना वो हमसे नहीं कोई छीन सकता है, वो चाहे लाख हम परेशान हो, चाहे ऑन स्टेज पे परेशान हो, साउंड से परेशान हो, लाइट से परेशान हो, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जहां है वहां अपना 100% दे के उठे। ये हमारे गुरु का कहना है कि बेटा तुम चले भी जाओ इतनी कोशिश करना कि आज मेरा आखिरी प्रोग्राम है ये सोच के बैठो, चाहे गला खराब हो, चाहे लाइट नहीं ठीक हो, चाहे साउंड ठीक हो, आपको अपना बेस्ट देके उठना है। तो ये चीज को हम लोग लेके चलते हैं और बड़े ही
सुकून में है इस समय, और उनकी दया और आप सबकी दुआ बहुत काम आती है। मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही संयोग कह लें और ये भी कह लें कि हमारा सौभाग्य था कि हमने बनारस में एक कार्यक्रम किया जहां रितेश रजनीश भाई तो थे ही थे, राजन साजन जी भी थे उसी स्टेज पे, और साजन जी के जो पुत्र हैं स्वरांश वो भी थे। बड़ा ही अनोखा वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की झलक अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो बात रजनीश भाई ने कही उस पर एक किस्सा याद आ रहा है। जब उस कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हॉल में बनारस के, तो उस हॉल की जो बनावट थी वहां साउंड को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और राजन साजन जी बैठ चुके हैं स्टेज पे, मुझे पसीने छूट रहे हैं कि मैं देश के इतने सम्मानित कलाकारों को बुला के लाया हूँ, पद्म भूषण कलाकारों को बुला के लाया हूँ, और माइक और ऑडियो ठीक नहीं है, कभी ये गुस्सा हो जाएंगे क्या बोलेंगे। और थोड़ी देर बाद मुंह में पान दबाए हुए एक बहुत ही हंसते हुई बड़ी ही छेड़ने वाली आवाज से साउंड रिकॉर्डिस्ट को आदेश दिया गया कि तू सब फ्लैट कदा हमके जो करे कि हम कर ले, यानी आप सब फ्लैट कर दीजिए, कुछ तो हम भी कर लेंगे। और ये आवाज राजन जी की थी, संभवतः वही बात जो रजनीश जी कह रहे हैं कि साउंड कैसा है, लाइट कैसा है, ये सब छोड़ दो और खुद गाओ, आनंदित हो जाओ, जब खुद आनंदित हो जाओगे तो दर्शक श्रोता भी आनंदित होंगे। और ये बात राजन जी कहा भी करते थे। बंधन के दुख से इस भव 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 बंधन के दुख से हमें कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे तुम कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे तुम कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे तुम कृपानाथ रघुनाथ
श्री चरण रघुनाथ हो कमल पर शीश धर हो तेरे तुम कृपा रघुनाथ हो मेरे श्री चरण कमल पर शीश धर हो तेरे श्री चरण कमल पर शीश धर मैं तुम्हें छोड़ कित जा
रितेश भाई एक चीज और बताइए, संगीत को लेकर किसी राग को लेकर मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं राजन जी से सवाल पूछूं, लेकिन चूंकि आप लोग थोड़े मेरे उम्र के आसपास के हैं तो मैं आपसे हिम्मत कर सकता हूं कि पूछूं, एक राग को देखने का क्या नजरिया होता है? आप एक राग को देखते हैं, आप कहते हैं साहब ये भैरव है या ये रामकली है या गुणकली है या ये एक्स वाई जेड कोई भी राग है। जैसे पंडित कुमार गंधर्व जी कहते थे कि राग को मैं 360 डिग्री देखता हूं, हाथी को आप सामने से देखते हैं पीछे से देखते हैं, मैं चारों तरफ से देखता हूं। तो आप लोग जब एक राग को नए, हालांकि ये बहुत पहले की बात होगी, अब आप कोई नया राग संभवतः सीखने की स्टेज नहीं है, लेकिन जब कोई नया राग आता था शुरुआती दिनों में आपके पास, और मान लीजिए पिताजी बैठे कि चलो आज तुमको हम जय जयवंती कराएंगे या आज हम फला राग कराएंगे, कैसे कंसीव करते थे उस राग को आप लोग? देखिए उसकी जो पद्धति है राग की उसके हिसाब से फिर उसका गाने का जो अंदाज है क्या है कि अब आप अगर किसी भी राग को आजकल का समय ऐसा है कि आप गूगल पे टाइप करिए और आपको राग हाजिर है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन हाजिर है, लेकिन वो उसमें ये चीज नहीं मिलेगा कि उसको गाया कैसे जाए, वो गुरु के सानिध्य में ही मिलेगा। और किसी भी राग को गाने के लिए राग के आगे नतमस्तक होना और उस राग से परमिशन लेना कि हे जय जयवंती मैं आपको गाने जा रहा हूं, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा, हमें रास्ता दिखाइएगा। तो ये पिताजी की तालीम थी कि इस तरीके से जब विनम्रता रखोगे तो राग सीखने में मुश्किल नहीं होगा। और उनका ये भी कहना था कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो उनका मकसद ये था इस बात को कहने का कि जो रियाज कर रहे हो जिस राग का, उसको इतने गूढ़ तरीके से समझो, रियाज करो कि बाकी के जो राग हैं जो तुमने अभी नहीं सीखे हैं उसको भी गा पाओ। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका यही है कि हम लोगों को ये चीज का एक तालीम दिया कि पहले तो एक एक राग को पहले अच्छे से साधो, तो उसको साधते साधते उसका एक एक जो राग में चलने फिरने का जो एक तरीका है वो समझ आया। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि राग बहुत सारे हैं लेकिन उसमें अंदर जाकर उसके रागानुसार अंदर उसके घूमने का जो कॉन्सेप्ट है वो करीब करीब सिमिलर है। बस ये है कि कोई राग संपूर्ण जाति का है तो कोई राग औड़व जाति का है, कोई शाड़व जाति का है, उसके हिसाब से उसका मिजाज बदल जाता है। लेकिन फिर भी एक बढ़त करने का तरीका, एक तान करने का तरीका, वो पद्धति जो है, वो जो सिस्टम है, वो तो हर राग में फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये चीज का जो एक बहुत बड़ा ज्ञान उन्होंने हमें दिया वो बहुत हमारे लिए कारगर साबित हुआ। और फिर उससे हम लोग जो भी राग गाना चाहें, और एट द सेम टाइम हम लोगों ने ऑब्जर्व बहुत किया शुरू से ही, बचपन से ही,
कि पिताजी को अगर कोई राग गाने की एक अभिलाषा है और वो शायद उन्होंने सीखी नहीं और उसको उन्होंने गाना है स्टेज पर, तो वो उसके बारे में कैसे सोचते थे, उसकी कैसी एक उसके ऊपर कितना रिसर्च करते थे, उसको कितना सुनते थे बुजुर्गों का, और उसके बाद उसमें से आकलन करके अपना क्या वो उसपे संशोधन करते थे और उसके बाद उसकी प्रस्तुति करें। तो ये चीजें हम लोग बचपन से ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो चीजें हम लोगों ने भी अब की, क्योंकि हम लोगों ने भी सारे राग तो पिताजी से चाचा जी से नहीं सीखे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो भी राग है वो तुम अपने से भी कोशिश करो, जो बेसिक राग है वो हम तुमको बताएंगे लेकिन बाकी राग में अपना भी कुछ योगदान दो, कंट्रीब्यूशन तो सबको देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने लिखवा दिया बस उसको लिख के अब स्टेज पर बैठ के देख देख कर गा रहे हैं, ये तो इसकी ये ख्याल विधा का मतलब ही है इमेजिनेशन, कि आपका इमेजिनेशन क्या है उस वक्त उस पर्टिकुलर राग के लिए, तो उसके लिए उसका उसके उस राग को रियाज में गाना, उसके ऊपर विचार करना, और सिर्फ गाते वक्त विचार नहीं करना, पूरे दिन उस राग के ऊपर विचार करने, भले ही कोई और काम कर रहे लेकिन एक बैक इन द माइंड उस राग के ऊपर एक सोच चल रहा है कि उसमें और क्या उम्मीद हो सकती है, उसको कैसे और प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक अपने आप में चैलेंज ही है कि किसी भी राग को समझ कर और उसके बाद फिर स्टेज पर जाकर उसको प्रस्तुत करना एक ऑडियंस के सामने, और फिर उसपे इतना ध्यान लगाना कि उसमें कहीं भी कोई चूक ना हो, और राग को अच्छे से हम निभा कर और स्टेज से उतरे, तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, और वो चैलेंज जरूर सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो उसका अपना कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। संगीत सबके लिए है लेकिन सबके अंदाज अपने अपने, सबका नेचर अपना है, सबका सोच अपना है, किसी का सोच किसी से ज्यादा मेल नहीं खाता, मेरा अपना तरीका है तो इनका अपना तरीका है, पिताजी का अपना तरीका, हमने उनसे वो चीज का एक ग्लिम्प्स लिया, आइडिया लिया, लेकिन हम जैसा वो प्रस्तुत कर रहे हैं रागमाल को सेम टू सेम ट्रू कॉपी हम लोगों ने नहीं प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उसमें अपने सोच को डाला, यही उनका विजन था कि तुम कैसे सोचते हो उस पर्टिकुलर राग को और तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, वो प्रोड्यूस करोगे तो वो ज्यादा अच्छा हो। इस दिलचस्प बातचीत में एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर जुड़िएगा हमारे साथ और रितेश रजनीश जी से बात करेंगे कि क्या कुछ खास उनकी शिक्षा दीक्षा में रहा, कब ये तय हुआ कि वो अलग से कार्यक्रम करेंगे।